Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Before lockdown situation, we were discussing about zoology B vertebrate portion. And now we have to continue our next portion of zoology B. Our next chapter for discussion is birds. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि birds के ऐसे कौन से characters हैं जो इनको दूसरे organisms से distinguish करते हैं. हम इनके general introduction देख लेते हैं. First of all, इनका जो first character है feathers. Birds have feathers. And second character is wings. Birds के wings होते हैं जो इनको help out करते हैं during flight. उड़ने में help करते हैं. And the third character is endothermy. Birds are endothermic organisms and they are warm-blooded, ठीक है. And next one is modified vertebral column. इनका जो vertebral column है वो modified है. उनके अंदर क्या क्या modifications आ रही हैं वो हम next chapter में detail में देख लेते हैं. Next character is pneumatic bones. What is literally meaning of pneumatic bones? It's mean hollow bones. Hollow bones का क्या मतलब है? इनकी जो बोन्स होती हैं वो पोरस बोन्स होती हैं. इनकी बोन्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं सुराख होते हैं. और इन पोर्स के अंदर क्या होती है? एयर फील्ड होती है. अब वो जो एयर फील्ड होती है वो इनको क्या करती है? हेल्प आउट करती है ड्यूरिंग फ्लाइट. इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में देख लेते हैं. अगर हम बर्ड्स के बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो जो सबसे पहले आते हैं वो क्या है? इसकी शेप. बर्ड्स की जो शेप है वो आप देख सकते हैं, बल्कि आपने ऑब्जर्व की होगी, ठीक है, एनवायरनमेंट में. इनकी बॉडी की जो शेप है वो क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है. स्ट्रीमलाइन मीन पॉइंटेड हेड है और बीक है स्ट्रीमलाइन. इससे क्या होता है कि हवा में जब ये फ्लाई करते हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इनको रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम फेस करना पड़ती है, जिसके नतीजे में ये इजीली क्या करते हैं? इनकी फ्लाइट हो जाती है. नेक्स्ट इसमें क्या है? कॉम्पैक्ट बॉडी. कॉम्पैक्ट मींस कि इनकी बॉडी लाइट इन वेट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और लाइट इन वेट होने के साथ साथ स्ट्रांग भी होती है. डॉर्सली एंड वेंट्रली हैवियर होती है. डॉर्सली एंड वेंट्रली हैवियर होती है. कॉम्पैक्ट बॉडी है. और कॉम्पैक्ट बॉडी का ये फ़ायदा है कि जब ये एयर में फ्लाई करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, ये वाली बॉडी इनकी हेल्प करती है बैलेंस कायम करने में, एक बैलेंस को मेंटेन करती है. नेक्स्ट इनका जो बेसिक कैरेक्टर है फेदर्स हैं. फेदर्स की वजह से जो हवा के अंदर ड्यूरिंग फ्लाइट फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है या फ्रिक्शन की फोर्स इनको फेस करना पड़ती है वो कम हो जाती है फेदर्स की वजह से. नेक्स्ट क्या है? विंग्स. विंग्स जो हैं नॉर्मली क्या है कि फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वही विंग्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. फोर लिम्स मॉडिफाइड होकर विंग्स बनाते हैं और विंग्स हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइंग, फ्लाइट में इनकी हेल्प करते हैं. जबकि जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स का क्या है? हाइंड लिम्स जो हैं वो इनको वॉकिंग के दौरान क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें तो क्या होता है कि हमारे जो फोर लिम्स हैं वो हमारे आर्म्स हैं, बाजू हैं, और जो हमारे हाइंड लिम्स हैं वो हमारे क्या हैं? फुट हैं, ठीक है, लेग्स हैं. और अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें, इस फिनोमेना को देखें जिसमें हाइंड लिम्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं वॉकिंग में ऑन ग्राउंड, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाईपेडल लोकोमोशन. बाईपेडल लोकोमोशन, बाई मींस टू. इनके टू लिम्स जो हैं वो इनके यूज़ होते हैं वॉकिंग के लिए, एंड जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होके क्या बनाते हैं? वो विंग्स बनाते हैं. नेक्स्ट इनका जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है वो है शॉर्ट टेल. शॉर्ट टेल का क्या मतलब है? अब इनकी टेल जो है वो शॉर्ट होती है, इसका क्या फ़ायदा है इनको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इनके जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं. देखिए, हम जितने भी कैरेक्टर्स स्टडी कर रहे हैं इन सारे कैरेक्टर्स का मकसद क्या है?
कि ये सारे के सारे करेक्टर्स इनको इनके इन्वायरमेंट के लिहाज से बेटर अडेप्ट करते हैं, बेटर अडेप्टेशन जो है वो इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। कौन कौन से इनकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से इनको हेल्प आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इन सारे करेक्टर्स में देख रहे हैं। तो जो शॉर्ट टेल है, एक तो ये कि ड्यूरिंग फ्लाइंग क्या करती है, इनकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है। सेकेंडली जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है क्या कि ये स्टीयरिंग, जैसे गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है हम क्या कहते हैं उसे डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ये जो इनकी शॉर्ट टेल है ये भी स्टीयरिंग का काम करती है। ड्यूरिंग फ्लाइट इनको जो अपनी डायरेक्शंस चेंज करनी होती हैं ये उसमें हेल्प आउट करते हैं। आर नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ एंडोस्केलेटन। यू ऑल नो दैट एंडोस्केलेटन क्या होता है। एंडोस्केलेटन जो उनकी बोन्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में देखा था इनकी बोन्स कैसी बोन्स होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, ठीक है, न्यूमैटिक बोन्स। तो न्यूमैटिक बोन्स मीन्स हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स मीन्स कि इनकी बोन्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, और इनके जो एयर स्पेसिस अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसमें एयर मौजूद होती है, जिसकी वजह से इनकी जो हड्डियाँ हैं बोन्स हैं वो हैवियर नहीं होती, और जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट इनकी बॉडी लाइट इन वेट होती है। और आप कॉमन सेंस की बात है, अगर बॉडी लाइट इन वेट होगी तो उसके लिए फ्लाई करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू हैवियर बॉडी। आर नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ स्ट्रॉन्ग मसल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि इनके जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो हेल्प आउट करते हैं इनकी फ्लाइंग में। अगेन वही बात कि जितने भी हम करेक्टर्स देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बर्ड्स का नाम लेते ही हमारे माइंड में जो सबसे पहला पॉइंट क्लिक करता है वो यही है कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो जितने भी हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं उन सब का मकसद जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है कि वो इनकी फ्लाइंग में हेल्प आउट करते हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनका रैपिड एंड फास्ट, बहुत क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत हाई होता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगेन वही वाली लॉजिक है कि इन्होंने फ्लाई करना होता है और इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस वजह से इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन वही वाली बात कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो भी बेटर डिवेलप्ड होगा। फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, क्योंकि इनको जो है वो ड्यूरिंग फ्लाइट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है, और इस वजह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत है। फोर चैम्बर्ड हार्ट है, वेल डिवेलप्ड है, और ये हाई स्पीड सर्कुलेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, आपको पता है कि जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो वाटर है, यूरिक एसिड है। इनमें क्या होता है, बर्ड्स में यूरिक एसिड जो है वो एज अ एक्सक्रीटरी जो है वो प्रोडक्ट है। और यूरिक एसिड का इनको क्या फ़ायदा होता है कि यूरिक एसिड को डिसॉल्व होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अब आपको पता है कि इनकी बॉडी लाइट इन वेट है और हमें लाइट इन वेट रखने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कैरी नहीं कर सकते, जिस वजह से इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन। इनका ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड है, वेल डिवेलप्ड है, लार्ज इनकी आइज़ हैं, गुड विजन है, ठीक है। ये तो सब लोगों ने नोटिस किया ही होगा आप सब ने कि जो बर्ड्स हैं उनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें आप क्रो की ही एग्जांपल ले लें कि आप जैसे ही उसको मौका मिलता है, क्रो को, वो फौरन से पहले आपकी आपको धोखा दे देता है। ये चीज़ें तो सब ने नोटिस की ही हुई है ना। अगर हम इन सारे कैरेक्टर्स को जो है डिस्कस कर लें इन डिटेल, तो इन सारी बातों की जो समरी है वो यही है कि बर्ड्स जो हैं वो वेल डिवेलप्ड हैं अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, और इनकी बॉडी जो है वो बेस्ट अडेप्टेड है इनके हैबिटेट के लिहाज से। अब हम देख